साइबर ठगों ने एक बार फिर अपनी ठगी का तरीका बदला है। वो लगातार अलग अलग तरीकों से भोले भाले लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। कुछ ऐसा ही अलग तरह का मामला सामने आया है हरियाणा के फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ से, जहां एक महिला से साइबर ठगों ने 3,19,000 रुपए की उगाही कर ली। फरीदाबाद के पुलिस अधिकारी सूबे सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि AI तकनीक का प्रयोग कर महिला को ठगी का शिकार बनाया गया। महिला का बेटा जब घर पर पहुंचा तो ठगी का खुलासा हुआ। पुलिस अधिकारी सूबे सिंह के अनुसार 17 फरवरी को बल्लभगढ़ की एक बुजुर्ग महिला के पास साइबर ठगों की कॉल आती है कि उनके बेटे को CBI ने गिरफ्तार कर लिया है किसी रेप केस के मामले में। उसको छुड़ाने के लिए आपको कुछ रुपए की व्यवस्था करनी पड़ेगी। उन्होंने फोन पर उनके बेटे की आवाज निकालने के लिए AI का इस्तेमाल किया, जिससे बुजुर्ग महिला डर गई। इसी डर का फायदा उठाते हुए साइबर ठगों ने CBI अधिकारी बनकर महिला से 3,19,000 रुपए की उगाही कर ली। महिला ने अपने खुद के रुपए और इधर उधर से रुपए लेकर आरोपियों द्वारा बताए गए अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। आरोपी लगातार महिला से बातचीत करते रहे और रुपए डलवाते रहे। सूबे सिंह ने बताया कि बुजुर्ग महिला का बेटा दिल्ली में जॉब करता है। जब वो घर आया तब तक साइबर ठग उसकी माँ से रुपयों की डिमांड करते रहे, जिसके बाद साइबर ठगी का खुलासा हुआ। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिसके बाद बुजुर्ग महिला की तरफ से साइबर थाना बल्लभगढ़ में शिकायत दर्ज करवाई गई, जिस पर पुलिस तेजी से कार्रवाई कर रही है और मामले की जांच की जा रही है।